तो दोस्तों आज हम अपनी GTA 5 में इंस्टॉल करने वाले हैं रिवो डाला 2024 मॉडल एंड लैंड क्रूजर। मैं कहता हूँ यार अब भी एक बार रिवो को लाजमी अपनी GTA 5 में इंस्टॉल करना, क्योंकि इस गाड़ी में जो ऑफ रोडिंग का मजा है ना वो किसी और में नहीं है। तो अगर आपने भी ये गाड़ियाँ इंस्टॉल करनी है अपनी GTA 5 में तो इनके मोड्स को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सबसे पहले जल्दी से डाउनलोड कर लो उसके बाद इंस्टॉल करते हैं। इन दो मोड्स को सिंपली डाउनलोड कर लेने के बाद हम अपना ओपन IV ओपन कर लेंगे। एडिट मोड को भी इनेबल कर लेंगे। देन अभी अपने मोड्स वाले फोल्डर में चले जाएंगे। अगर आपके पास मोड्स वाला फोल्डर नहीं है तो मेरी ये वीडियो देखकर अपने GTA 5 को मोड कर लेना, जिससे आपकी गेम में ओपन IV भी आ जाएगा, मोड्स वाला फोल्डर भी आ जाएगा, मेन्यू ट्रेनर हर वो चीज आ जाएगी जो कि बेसिक मोड्स में आती है। नाउ हमने मोड्स वाला फोल्डर ओपन करके असेंबली अपडेट में चले जाना है। उसके बाद X64 DLC पैक्स में जाएंगे। देन यहाँ पर अपना लैंड क्रूजर वाला मोड ओपन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से टोयोटा SJ वाले फाइल को सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। अभी हम इस मोड को कट करके अपना रिवो वाला मोड ओपन कर लेंगे। नाउ यहाँ से हमें टेकोमा 24 वाले फाइल को सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है ओपन IV में। इसको कट करके सिंपली GTA 5 के मेन डायरेक्टरी में आ जाएंगे। अभी हम फिर से मोड्स वाले फोल्डर में चले जाएंगे। उसके बाद अपडेट में जाएंगे, देन update.rpf, उसके बाद कमांड में जाएंगे, देन डेटा में जाएंगे एंड यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके dlclist.xml वाले फाइल पर राइट क्लिक करके इसको एडिट करेंगे। उसके बाद लास्ट वाली लाइन को सिंपली हम कॉपी कर लेंगे। अभी हमने लास्ट में ही इस लाइन को जिसको हमने कॉपी किया था उसको ही हमने सिंपली वापस से पेस्ट कर लेना है। नाउ हम दूसरी बार भी इस लाइन को पेस्ट कर लेंगे, मींस कि हमने दो लाइंस बनानी है। उसके बाद फर्स्ट लाइन में जो सेंटर वाला वर्ड है इसको सिंपली हम कट कर लेंगे एंड यहाँ पर लिखेंगे टोयोटा SJ। उसके बाद सेकंड लाइन में सेंटर वाला वर्ड कट करके यहाँ पर लिखेंगे टेकोमा 24। जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे आप भी लिखना, अगर थोड़ी बहुत भी गलती करी तो आपकी गेम में कोई भी गाड़ी इंस्टॉल नहीं होगी। नाउ अभी हमने इसको सेव करके ओपन IV को कट कर लेना है। उसके बाद जल्दी से अपने गेम को ओपन कर लेना है। तो ये अपनी गेम ओपन हो चुकी है। अभी हम ऐसा करेंगे कि 2 times F8 प्रेस करेंगे जिससे अपना मेन्यू ट्रेनर ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सिंपली हम व्हीकल ऑप्शंस में चले जाएंगे, देन व्हीकल स्पॉनर में जाएंगे, लास्ट में इनपुट मॉडल का ऑप्शन होगा तो इस पर सिंपली हम एंटर करेंगे एंड यहाँ पर लिखेंगे टोयोटा SJ। जैसे ही टोयोटा SJ लिखकर एंटर करेंगे तो आपके सामने लैंड क्रूजर आ जाएगी। अभी अपनी गाड़ी रेड कलर में स्पॉन हो चुकी है। आप चाहो तो इसका व्हाइट या ब्लैक या तो कोई भी कलर अपनी मर्जी से रख सकते हो। अभी हम जल्दी से अपने रिवो को स्पॉन करते हैं। सबसे पहले हम अपना मेन्यू ट्रेनर ओपन कर लेंगे, उसके बाद व्हीकल ऑप्शंस में चले जाएंगे, देन व्हीकल स्पॉनर में जाएंगे एंड लास्ट में इनपुट मॉडल में चले जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे टेकोमा 24। जैसे ही लिखकर एंटर करेंगे तो आपके सामने रिवो डाला आ जाएगा। अरे है क्या ही मस्त गाड़ी है, लुक देखो भाई गाड़ी का। वेल ये तो है दो सिर्फ व्हीकल्स। अगर आपने 10 और भी पाकिस्तानी व्हीकल्स अपने GTA 5 में इंस्टॉल करनी है तो इस वीडियो में आ जाओ, वही मिलते हैं।